राजीव शर्मा, एलएसी पर अमेरिका से प्रेडेटर बी ड्रोन की तैनाती होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरहद बिना ड्रोन की है। इस वक्त एलएसी पर इजराइल का हेरोन ड्रोन तैनात है। हेरोन खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है और जरूरी सूचनाएं सुरक्षा बलों को देता है। हेरोन ड्रोन की तैनाती गलवान विवाद के बाद ही हुई है। इसके अंदर तरह तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो कि रडार की फ्रीक्वेंसी पिकअप करते हैं, जो कम्युनिकेशन पिकअप करते हैं, और यही नहीं जो बाकी जो रडार जो उनको कैच करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पता लग जाती है, और वो उनके अगर जैमिंग डिवाइस लगाई जाए तो वो जो है रेडियो जैमिंग कर सकते हैं और जैमिंग कर सकते हैं, रडार जैमिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये आर्टिलरी स्पॉटर बन सकते हैं और फायर एडजस्टर बन सकते हैं, जो आर्टिलरी फायर को एडजस्टमेंट दी जाती है वो कार्यक्रम कर सकते हैं। बॉर्डर के पहाड़ी इलाकों में निगरानी के लिए मोदी सरकार ने हेरोन को इसराइल से खरीदा था, लेकिन अभी तक इसकी तैनाती एलएसी पर नहीं की गई। अब चीन की साजिश को देखते हुए मोदी सरकार ने इसे चीन सीमा पर तैनात करने की मंजूरी दे दी है, यानी अब पूर्वी लद्दाख का इलाका स्टोही विमान की निगहबानी में रहेगा। और इतना ही नहीं, करीब 3,500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर इसके और दूसरे ड्रोन के जरिए पूरी नजर रखी जाएगी। लेकिन चीन तो हेरोन जो दिखाई नहीं दे सकते और जिसको आम एयरक्राफ्ट की सर्वेलेंस से पता नहीं चल सकता, ये ड्रोन की सर्वेलेंस जो निरंतर 52 घंटे चलती है इससे मिल जाएगी।
विवादित जगह से चीन की सेना पीछे हटने लगी है। ये मोदी का दम कि जिनपिंग 3.5 महीने में ही हुए बेदम। ये चीन की हार और मोदी के हिंदुस्तान की जीत, एलएसी पर जो कुछ भी हुआ अब दोबारा ना हो, इसके लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अब एलएसी की निगरानी अमेरिका के जासूसी ड्रोन करेंगे। एलएसी पर होंगे मोदी के अमेरिकी जासूस तैनात। गलवान में चीन कदम बढ़ाएगा, एलएसी पर मारा जाएगा। अमेरिका से आ रहा है सशस्त्र प्रीडेटर बी ड्रोन। यह है अमेरिका का प्रीडेटर बी ड्रोन। यह सरहद पर निगरानी करेगा, सिर्फ सरहद की रखवाली नहीं बल्कि दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देगा। दरअसल अमेरिका का प्रीडेटर बी ड्रोन हथियार से लैस होगा। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस ये ड्रोन सरहद पर हवा में मंडराता रहेगा और इसकी तरफ आने वाला कोई भी बम बारूद या मिसाइल ये हवा में ही उड़ा देगा। हिंदुस्तान प्रीडेटर बी ड्रोन अमेरिका से खरीदने जा रहा है। प्रीडेटर बी ड्रोन का दम कम ऊंचाई पर ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है। बॉर्डर पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, लक्ष्य का पता करता है, फिर ठिकाने पर वार करता है। मिसाइल और गाइडेड मिसाइल को हवा में ही मारकर खत्म कर सकता है। अब सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। चीन के ये तंबू और बंकर गलवान घाटी पेंगोंग झील में दिख रहे हैं। अगर हमारे पास प्रीडेटर बी ड्रोन जैसा ताकतवर ड्रोन होता तो शायद इसकी जानकारी बहुत पहले हमारी सेना को मिल चुकी होती, लेकिन ऐसा हो ना सका और छल कपट का चैंपियन चीन गुस्ताखी करता रहा। एलएसी पर चिंग का विंग लू 2 ड्रोन तैनात है और खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। अगर अमेरिका का प्रीडेटर बी ड्रोन हमारे पास आता है तो फिर उसका मुकाबला चीन के विंग लू 2 से होने वाला है। चीन का विंग लू 2 ड्रोन भी हथियारों से लैस और बहुत ताकतवर है। चीन के विंग लू 2 ड्रोन को अमेरिका का प्रीडेटर बी ड्रोन आसानी से मात दे सकता है, बल्कि ताकत में 20 पड़ेगा प्रीडेटर बी ड्रोन। सरहद पर जासूसी दूसरी बड़ी खबर। पाकिस्तान में होंगे चीन के जासूस। चीन पाकिस्तान को देगा 4 जासूसी ड्रोन। चीन JJ-2 ड्रोन पाकिस्तान को देगा। ये चीन के लूट 2 ड्रोन का ही दूसरा रूप है। पाकिस्तान इस ड्रोन की तैनाती ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के साथ पाकिस्तान में चीन के ठिकानों की सुरक्षा के लिए करेगा। चीन के इस ड्रोन से बाजवा की ताकत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी। अब हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान यानी LAC और LOC पर 3 देश अपने अपने सबसे ताकतवर ड्रोन तैनात कर रहे हैं। चीन की यह कोशिश है कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा ताकतवर ड्रोन पाकिस्तान को दे, ताकि पाकिस्तान गाहे बगाहे हिंदुस्तान को परेशान करता रहे। लेकिन अमेरिकी ड्रोन प्रीडेटर बी के आते ही इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।